माई सेल्फ आस्था फ्रॉम SRC इंस्टीट्यूट. सो अवर टूडेज टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. सो टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52, जिनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ब्लैक एंड रेड में. 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, जो आगे भी फर्दर डिवाइड किए जाते हैं. 13 आर स्पेड्स एंड 13 आर क्लब, एंड रेड में भी सेम होते हैं, 13 आर डायमंड एंड 13 आर हर्ट. और सबके पास फेस कार्ड्स होते हैं जे के क्यू. जे मीन्स जोकर, के किंग, क्यू क्वीन, डैट इज़ 12. मीन्स सबके पास तीन तीन फेस कार्ड होते हैं और सबके पास एस होते हैं, 1-1 एस होता है. तो टोटल एस हमारे पास 4 होते हैं पूरे कार्ड्स में. ओके, सो ये तो था हमारा कार्ड्स के ऊपर. अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कैसे कैसे कार्ड्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं. ओके, तो ये कुछ इजी प्रोबेबिलिटी हैं जो हमें कार्ड्स के ऊपर हैं, जैसे कि हमें निकालनी है. वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स. सेलेक्टेड मीन्स होते हैं कॉम्बिनेशन. इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें आपने इजी बताना है. इजी वे वाले क्वेश्चंस हैं, पर इसमें बोल दिया कि सेलेक्टेड है, तो मैंने बोल दिया कि सेलेक्टेड जब भी आता है तो क्या लगता है हमारा फॉर्मूला लगता है. कौन सा फॉर्मूला लगता है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है. बट ये तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ फेस कार्ड्स की. तो आपको पता है फेस कार्ड कितने हैं? तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला था वो था फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल केसेस. ओके, तो हमारे पास फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो फेस कार्ड इज़ 12 एंड टोटल इज़ 52. तो इसे हम फर्दर डिवाइड कर देंगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी फेस कार्ड की आएगी. तो ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालने हैं. एस कितने हमारे पास? 4 अपॉन 52. इसे आप फर्दर डिवाइड करते रहना. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितने हमारे पास टोटल? किंग हमारे पास 4 होते हैं, क्योंकि सबके पास एक एक किंग है. तो 4 अपॉन 52. यस, देन नेक्स्ट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट. हर्ट कितने हैं? 13. तो 13 अपॉन 52. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पी किंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और एस और आ गया, मीन्स फॉर्मूला लग गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. तो टोटल किंग कितने होते हैं? 4 अपॉन 52. देन एस कितने होते हैं? 4 अपॉन 52. फॉर्मूला लग गया ना इसमें और का, यूनियन वाला. तो डैट इज 8 अपॉन 52. देन नेक्स्ट पी, रेड कार्ड. रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. रेड कार्ड इज 26 अपॉन 52. देन नेक्स्ट अगर मैं निकालूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट एंड डायमंड शेप. मैंने बोला हर्ट और डायमंड, हर्ट और डायमंड की निकालनी है मुझे. तो कैसे निकालेंगे? हर्ट कितने हैं? 13 अपॉन 52. और है तो मींस प्लस कर देंगे. और डायमंड कितने हैं? 13 अपॉन 52 मींस 26 अपॉन 52. तो ये तो कुछ इजी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको सिर्फ कार्ड से देखकर हमने बस इसके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके चलती हूँ जिसमें हमारे फॉर्मूले लगेंगे. ओके, देखिए सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स. 2 कार्ड्स निकाले हमने 52 कार्ड्स में से. अब इसमें सेलेक्टेड है तो मीन्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा. तो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का NCR. फॉर्मूला होता है NCR, जिसको हम लिखते कैसे हैं? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ओके, तो आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ एसिस की, कि दोनों एस होने चाहिए, एसिस होने चाहिए. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 4 कितने होते हैं एस? 4 होते हैं, ठीक है. कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं, ठीक है. एन मीन्स यहाँ पे होते हैं टोटल नंबर, कि कितने एस थे? 4 एस थे.
कितने निकालने हैं, दो निकालने हैं। जो हमने निकालने होते हैं वो नीचे आते हैं उसे बोलते हैं आर। तो कितने निकालने हैं, दो निकालने हैं। अपॉन में 52, टोटल 52 होते हैं और कितने निकालने हैं, टू निकालने हैं। तो 4C2 अपॉन में 52C2। देन सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक कार्ड्स की निकालनी है। तो ब्लैक कितने होते हैं, 26 होते हैं और कितने निकालने हैं हमने, दो निकालने हैं क्योंकि उन्होंने टू कार्ड्स ड्रॉन करे हैं, डैट्स वाई। अपॉन में 52 टोटल होते हैं और कितने निकालने हैं हमें, टू निकालने हैं। ओके, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। देन थर्ड इज प्रोबेबिलिटी वन एस एंड वन किंग। एक एस होना चाहिए और एंड एक किंग होना चाहिए। जब एंड या और आ जाए, एंड करने पर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई और करने और जब वर्ड आते हैं तो हम करते हैं प्लस। ओके, ये बात ध्यान रखना आप, एंड पे मल्टीप्लाई और पे प्लस। तो आप देखेंगे पी एस एंड वन किंग, एक एस है और एक किंग है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, वन एस है तो फोर एस होते हैं, एक निकालना है तो 4C1, एंड है तो मल्टीप्लाई। किंग कितने होते हैं, फोर होते हैं और कितने निकालने हैं, एक निकालने हैं। अब टोटल इज 52C2, टोटल हमें टू निकालने, एक एस निकालना है और एक किंग निकालना है। अब ये तो थे जिसमें हमने फॉर्मूले में पुट करके निकाल दिए, पर कुछ अलग तरीके से भी आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन बोल दिया जाए आपको, क्वेश्चन आपको बोल दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फेस कार्ड एंड 1 एस। कि 4 तो फेस कार्ड है आपके पास और एक एस है आपके पास, सेम ऐसे ही निकालेंगे। कैसे करेंगे, 4 फेस कार्ड, तो यानी 4 फेस कार्ड के लिए मैंने क्या निकाला था, 4C1 एंड है मल्टीप्लाई 1 एस है, तो मतलब 4 ही एस टोटल थे। हर कार्ड में 4, मतलब पूरे कार्ड्स में 4 एस होते, तो 4C1 अपॉन में टोटल कितने निकालने हैं हमें, 52C2, एक एस निकलेगा और एक फेस कार्ड निकलेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा फोर्थ का आंसर। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसे भी पूछते हैं आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग फॉलोड बाय एन एस। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी निकालो किंग की जो फॉलो करता है एस को। तो इसको कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। किंग कितने होते हैं हमारे पास, 4, तो 4/52 फॉलोड बाय एन एस, एस को फॉलोड करेगा, मतलब एक उसमें से कोई एस होना चाहिए। 4 किंग में से अगर हम निकालेंगे तो एक उसमें एस कार्ड निकलना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4/, अब एक निकल चुका तो into 50/51। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि क्या बोला है, कि किंग होंगे और उसमें से एक एस निकलेगा, डैट्स वाई मैंने नॉट रिपीटेड वाला लगाया फॉर्मूला कि अपॉन में 51 हो गया क्योंकि एक कार्ड तो निकल चुका। देन कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड और अ किंग, कि डायमंड की और अ किंग की निकालो। अब इसमें क्या है बोला है, और बोला है, तो आप समझ जाओगे क्या होगा, हमारा प्लस होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 13/52। ओके, प्लस किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 4/52। पर उन्होंने साथ में बोल दिया कि डायमंड और अ किंग की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो किंग निकलेगा वो डायमंड में से निकलेगा, मतलब कि वो डायमंड में से निकलेगा। अगर आपको फेस कार्ड वो याद है, क्या कहते हैं, चार्ट याद है कार्ड्स का, तो उसमें मैंने पूरा आपको डायमंड्स का बताया था कि उसमें किंग होते हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो डायमंड में से किंग निकलेगा।
तो इसलिए हम माइनस कर देंगे 1/52। तो जिसका आंसर सॉल्व होके होगा तो इसे मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करेंगे अपॉन में 52, 13 - 4 = 9, 9 - 1 = 8, 8/52 फर्दर डिवाइड करेंगे थर्टीन प्लस फोर सेवनटीन, सेवनटीन माइनस वन सिक्सटीन अपॉन फिफ्टी टू, यस माइनस करें 8/26, इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4/13। तो ये तो कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे जो कार्ड्स के ऊपर पूछ लेते हैं। होप ये आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझ आएगा, आपको बहुत इजी वे में समझ आया होगा कि कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर कार्ड्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।